देखो इस स्टैंजा में कवि क्या कहता है, कांटों में खिलकर हमने, कांटे किसका प्रतीक है, दुख का, कांटा किसका प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। हमारे जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आती हैं, कितने भी दुख आते हैं, उन दुखों में भी हंसकर जो है हम जीना सीख लेते हैं, उन दुखों से हम निकल जाते हैं। लेकिन कब निकल जाते हैं, जब हम साथ होते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ होता है। देखो एक सूत्र, सूत्र क्या होता है, धागा, सूत्र क्या होता है, धागा। तो यहाँ कवि क्या समझा रहा है कि एक सूत्र की परिवार के सभी सदस्य जब एक हो जाते हैं, एक धागे में बंध जाते हैं, तो उन दुखों से जो है हम जो है हंसकर निकल जाते हैं। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। अब फूल क्या कह रहे हैं, जब वो एक धागे में बंध जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक माला, और माला क्या है, गले का हार बनकर शोभा बढ़ाती है। जिसके भी गले में वो पड़ती है, जिसके गले में डाली जाती है, तो वो जो है उसके गले की शोभा को बढ़ाती है। अब हार शब्द के दो जो यहाँ मीनिंग है, श्रुति दो अर्थ हो जाएंगे, एक हार तो होता है पराजय, एक हार क्या है पराजय, दूसरा हार क्या है, गले में पहना जाने वाला आभूषण, गले में पहने जाने वाला हार या आभूषण। हार के दो अर्थ हो जाएंगे यहाँ, एक हार पराजय और दूसरा हार क्या है, गले में पहने जाने वाला आभूषण। सबके लिए सुगंध, सुगंध क्या है, महक। हमारे अब फूल क्या कहते हैं कि हमारी महक जो है सबके लिए समान है। आपने कभी देखा है कि किसी फूल में से एक को महक आए दूसरे को नहीं आए, गुलाब के फूल की जब आप महक सूंघते हो तो वो सबको समान रूप से आती है। तो क्या कहता है कि हमारी महक जो है सबके लिए समान है, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। अब फूल जो है अमीर और गरीब को नहीं देखता, देखो ये दोनों विलोम है, धनी का विलोम क्या हो जाएगा, निर्धन। तो क्या कहता है कि हमारे लिए सब समान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, धनी है, निर्धन है, चाहे वो ऊंची जात है, नीची जात है, किसी भी कास्ट का हो, हमारे लिए सब समान है। हम तो जो है जिसके गले में पड़ जाते हैं उसी का जो है श्रृंगार बन जाते हैं, उसके गले की शोभा बन जाते हैं। श्रृंगार क्या होता है, सजावट, तो उसके गले की शोभा बढ़ाते हैं। तो पूरी कविता में जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने समझाया है मनुष्य को कि ये सारा संसार तो क्या है, एक उपवन मान लिया, इसका मालिक कौन है, भगवान। दूसरा मालिक कौन है, हमारे माता पिता। जैसे माली जो है पौधों को पानी देकर पालता पोसता है, वैसे ही हमारे माता पिता हमें अच्छा खान पान देकर हमें पालते पोसते हैं। साथ में उसने समझाया कि प्रकृति ने सारी चीजें समान दी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो मनुष्य क्यों भेदभाव करता है। जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, उसकी हवा है, उसकी जो है आपकी सूरज की रोशनी है, चांद की चांदनी है, सब कुछ समान रूप से मिलता है। तीसरा उसने समझा कि देखो भवरा जो है अपनी मीठी आवाज सबको समान रूप से देता है, तो भगवान ने सबको वाणी दी है, तो उस वाणी से हम कड़वा बोलकर क्यों किसी के हृदय को दुखाते हैं। हमें भी जो है भवरे के समान मीठा बोलना चाहिए, और हमारी वो मीठी जो आवाज है, मीठा गुनगुनाना है, वो सबको अच्छा लगेगा। और लास्ट में जो है समझाता है कि कांटा किसका प्रतीक है, दुख का, कि जैसे मनुष्य जो है परिवार साथ होने पर दुखों में भी जो है हंस हंसकर जो है निकल जाता है उन दुखों से, अगर परिवार साथ है तो, और वो जो है एकता के सूत्र में बंध कर जो है किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। तो उसी तरह से फूल जो है एक धागे में बंध कर जो है गले का हार बन जाते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। फूल जो है किसी धनी और निर्धन को नहीं देखता, वो जो है जिसके भी गले में पड़ता है उसकी शोभा को बढ़ा देता है।